हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत, ये मेरे सहपाठी दीपक। फाइनली आपको एक जेन्युइन अपडेट दे रहे दोस्तों। पहली बात तो अभी तक एडमिट कार्ड को आउट किया नहीं गया। जो दोस्त ये अफवाह फैला रहे हैं कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, ऐसा तो कहीं पे भी जग जाहिर नहीं किया गया। अगर वो लोग अगर कोई एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ऑफिशियल अपडेट देंगे ना अपनी वेबसाइट पे। आप लोग अपनी तरफ से क्यों ऐसा मान के चल रहे हो कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। खैर, ये तो था एक महत्वपूर्ण अपडेट। अभी तक एग्जाम की एग्जामिनेशन सिटी आई तो नहीं है, मे बी, बट एक दो दिन में आ ही जानी है, ये बात तो तय है ही। ठीक है, ये एक सेफ्टी के लिए होता है कि आपका कोई एग्जामिनेशन सेंटर कैप्चर ना हो जाए। लेकिन हालांकि स्टूडेंट्स लोग, मैं समझता हूँ उनको ट्रेन टिकट्स करवानी है, वो उतावले हो रहे हैं कि ज़्यादा दूर। मोस्टली 90% चांस है कि आपको जो फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस भरा है वहीं आपका मतलब एग्जाम सेंटर होगा, उसी सिटी में आएगा। करेक्ट। और ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी एक नया, एक एकदम गरम गरम ऑफिशियल अपडेट ये दिया है, उन्होंने सैंपल क्वेश्चंस को अपडेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे फर्स्ट रिव्यू में मतलब देखने से लग रहा है कि वो एसएससी टाइप एग्जाम पैटर्न रहेगा। जो लेवल रखा है एकदम एसएससी टाइप रखा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा ये ट्विस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उन्होंने 5 ऑप्शन दिए, जो सैंपल पेपर है उसमें 5 ऑप्शन दे के रखे हैं। और रही बात सैंपल पेपर, ये सैंपल पेपर आपको कहां पर मिलेगा, ये आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है ना, उसमें हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां पर आप पीडीएफ आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं कि कैसा एक बार सैंपल क्वेश्चंस है, एक बार आप देख लीजिए। लेकिन ये अच्छा किया उन्होंने हफ्ते दिन पहले निकाल के दे दिया कि आपकी प्रिपरेशन कुछ ऐसी रहनी चाहिए 5 ऑप्शन के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या है आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को देखने से लग रहा है कि वो एसएससी टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, जीके सेक्शन। हाँ, एक सेकंड, एक बार ऊपर आपको बता देता हूँ एग्जीक्यूटिव का जो इन्होंने ऊपर दिया है। पेपर दो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया। जो सैंपल क्वेश्चन बाई लैंग्वेज होगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर हिंदी में कंफर्टेबल है आप पेपर हिंदी में भी दे सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और इन्होंने जनरल लिखा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि पहले था वो था, कॉमन कैडर का भी दिया, इस बार तो लॉ और फाइनेंस का भी दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, सारी डिटेल्स पीडीएफ में मेंशन है। और ऑफिस का भी दिया है, ऑफिस एंड फायर एग्जीक्यूटिव वालों का भी दिया है, फायर सर्विसेज वालों का भी दिया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। जनरल नॉलेज के बारे में आप बताइए थोड़ा। हाँ, जैसे इसमें जनरल नॉलेज के इन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिए, लेकिन 4 क्वेश्चंस दिए हैं। देखने से लग रहा है जैसे मूवीज का कोई डायरेक्टर पूछा हुआ है, लगान मूवी का डायरेक्टर कौन है। मे बी आपके पेपर में गदर का पूछ ले, वो भी फेमस हुई थी। मे बी, और मतलब जनरल साइंस से भी लेके, जनरल साइंस से 2 क्वेश्चन एक्चुअली, वाटर और लाइट से रिलेटेड। हालांकि ये कहीं किसी बुक में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर जनरल आइडिया भी रखते हैं तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के इन्होंने कुछ 7-8 क्वेश्चंस मेंशन किए, 8 क्वेश्चंस मेंशन, जिसमें हमको रिलेशंस वाले क्वेश्चंस ढूंढना है, या फिर ये सिलोलिज्म है, या फिर सीरीज के हैं, अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है उसके क्वेश्चंस हैं, और सिलो मतलब ये नंबर कोडिंग वाले ना। हाँ, कोडिंग वाले, या रिलेशन से ढूंढना, ए रिलेटेड टू बी, मतलब रिलेशनशिप वाले। हाँ, और बैंकिंग में हमने देखा क्वेश्चंस काफी लेंथी रहते हैं, इसमें लेंथी तो क्वेश्चंस नहीं है, लेंथी नहीं है। और देखने से फर्स्ट लेवल में देखने से लग रहा है कि इजी लेवल और मॉडरेट लेवल है, टफ भी नहीं बोल सकते हैं, टफ नहीं है क्वेश्चन तो नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने, हमने स्टार्टिंग से यही कहा, जिन स्टूडेंट्स ने एसएससी को बेस मान के अपनी प्रिपरेशन की है ना, तो उसको 5वें ऑप्शन आ जाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं, और उसकी ये थोड़ा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 4 ऑप्शन उसको कंपनसेट करने के लिए शायद, मे बी की 5 ऑप्शन दिए हैं। ऐसे भी इसकी जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है 85,000 पर मंथ है, तो दूसरी बात पता है, ये ट्विस्ट ना, ये किसी को नहीं पता था इस बात का, ये एकदम लेटेस्ट है, ये ट्विस्ट सबके लिए रहेगा। और ये एक हर्डल है, सबके लिए रहेगी। अब आप पे डिपेंड करता है, इस हर्डल को आप सिरदर्दी लोगे या इस हर्डल को आप अपॉर्चुनिटी लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस हर्डल में अपने मार्क्स लूज कर, लेकिन इसका ये बेनिफिट भी, कट ऑफ थोड़ी कम भी रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, लोग गैस करने में और ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लोगों को, क्योंकि 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आंसर नहीं पता है आपको तो मतलब करेक्ट होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। और जहां तक मैं ऐसा मान रहा था कि जो 4 ऑप्शन के साथ जो कट ऑफ मैं 130 पे देख रहा था कॉमन कैडर की, अब वो 120 पे आ जाएगी, करेक्ट? मे बी, फर्क तो पड़ेगा 122-127 मार्क्स का इजीली आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर जनरल कैटेगरी की बात करो तो 120 आप मान सकते हैं, 120 प्लस आपको स्कोर करना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 115-116 प्लस करना चाहिए, एससी कैटेगरी से 110, और एसटी से हैं तो आप 105 भी अगर आप स्कोर करते हैं तो शो करते हैं तो बात बन जाएगी। सेफ स्कोर है आप लोगों के लिए। बट ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिनकी प्रिपरेशन मॉडरेट लेवल की है, और इसमें ये कर दिया। जो लोग बहुत ही धुंधर है ना, अब वो हिचकिचाएंगे, उनका स्कोर भी डाउन आएगा, और आप लोगों की मॉडरेट प्रिपरेशन आप भी थोड़ा सा ठीक है, आप भी ठीक रहेंगे, तो कट ऑफ नीचे आएगी। ये तो अच्छा ही किया स्टूडेंट्स के लिए, कट ऑफ कम रहेगी। जितनी कट ऑफ कम रहेगी उतना हम लोगों के लिए एडवांटेज है। इसमें जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में इन्होंने एक चीज मेंशन की है कि पैरा एक दिया है उसके लिए 5 क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ, तो मे बी आपको हो सकता है कि फाइनल पेपर में 2 पैरे ऐसे मिल जाएं जिसमें 5-5 क्वेश्चन का, इससे क्या आपका बहुत ज्यादा टाइम सेविंग हो जाता है।
एक बार आपने रीड किया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो 5 क्वेश्चंस का आंसर देना आप, मतलब 3-4 मिनट्स में आप इजीली आंसर दे पाओगे। अरे मैं देख रहा हूँ पैरे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं रखा है, बस एक पैरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट ही रखा, ज्यादा लेंथी नहीं है। क्वेश्चंस लेंथी नहीं है, बिल्कुल 1-1 लाइनर क्वेश्चन पूछे हैं, पैरा में भी 5-6 पॉइंट्स दिए हैं, उसके इंटरप्रेट करके आपको आंसर्स देने हैं। जो कैंडिडेट्स इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते हैं, एक बार आप इंग्लिश देखो तो, एक बार देखो तो सही, इतनी डीप इंग्लिश नहीं चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को बेसिक रूल्स की प्रैक्टिस होनी आनी चाहिए और एलिमिनेट करना आना चाहिए। आप इजिली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो तो बहुत ही, टू द हिंदूज द गंगा इज होलियर देन एनी रिवर, एरर है कि नो एरर है कि क्या एरर है, आप इजिली इन सबको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई फर्स्ट जॉइन द बैंक, देख बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं यार, बेसिक टॉपिक्स हैं। फर्स्ट जॉब लगी थी तो आप कितने, किस उम्र के थे, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको करेक्ट करना है इफ एनी एरर। और अगर आप बात, अगर आप देखते हो इसमें पैरा की जो पैसेज वाला जो क्वेश्चन है, उसमें भी पैसेज जो है एक नॉर्मल ही रखा गया, बहुत ही डीप नहीं रखा गया, एक ऐसा पैसेज रखा गया जिससे, जैसे इसमें ग्लोबल वार्मिंग वाला है, आइस मेल्टिंग, ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया हुआ है। हाँ जी, ज्योग्राफी टॉपिक से है, मतलब ऐसा कि जो लोग पढ़े पैसिफिक अर्थ मेल्टिंग आइस करके। यस यस यस। रही बात सब्जेक्ट नॉलेज की, सब्जेक्ट नॉलेज तो है ही, और आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं इसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ने से पहले। पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा, आपने जो विजिट नहीं किए विजिट किए। अच्छा एक डाउट रहता है, सेव द नेक्स्ट मार्क फॉर द रिव्यू, इसका मार्क फॉर द रिव्यू काउंट होगा कि नहीं होगा? ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम लिख रहे हैं, तो आप पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि इसमें लिखा गया है जो क्वेश्चंस आप मार्क फॉर द रिव्यू करेंगे उसको फाइनल इवैल्यूएशन के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम लोगों ने दिल्ली मेट्रो में कुछ ऐसे एग्जामिनेशन दिए हैं असिस्टेंट मैनेजर के, जिसमें मार्क फॉर द रिव्यू करते बट वो फाइनल इवैल्यूएशन नहीं होता, सेव नहीं होता फाइनली वो। हाँ, बट मार्क फॉर द रिव्यू क्वेश्चंस आपके लिए फाइनल, अगर आप रिव्यू करते हैं वो इवैल्यूएशन के लिए काउंट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसमें क्या है, आप कोई भी गलत चीज़ नहीं लेके जाएंगे, कोई ब्लूटूथ या फिर चीटिंग करने के लिए, कुछ बात करने के लिए फोन वोन डिजिटल वॉच वगैरह नहीं लेके जाएंगे। गो थ्रू कर लेना आपको, आप लोगों को एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, एडमिट कार्ड निकलवा के लेके जाना है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ दिए हैं क्या, इंस्ट्रक्शन विद जनरल इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड के साथ, आपको आपकी ओरिजिनल आईडी तो लेके ही जानी है दोस्तों, और आप स्लीपर में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर, उन्होंने कहा भी है। कुछ पेन के बारे में भी है क्या, टाइम पे पहुँचना है। द एडमिट कार्ड शुड बी ब्रॉट अलोंग विद द रिसेंट, हाँ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जरूर आपको लेके जाने दोस्तों, एक आईडी प्रूफ एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज, आप दो फोटोज लेके जाना, रिसेंट पास उसमें लिखा है उसके बराबर में लगाना है। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज होगा नहीं इसमें, तो इस वीडियो का यही मकसद था। अभी तक एडमिट कार्ड आए नहीं, वो आ जाएंगे, सैंपल क्वेश्चंस आपके सामने दे दिए हैं उन्होंने, जिसमें 5 ऑप्शन, ये नया ट्विस्ट है सबके लिए आई थिंक, ना तो टेस्ट बुक ने ना अड्डा ने किसी ने भी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं होगा, बारे में नहीं बोला, कैसे सोचा होगा, ये तो हिडन इन्फॉर्मेशन थी, ये तो एक हफ्ते पहले आप सबके सामने आई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको एक पॉजिटिव की तरह ही लें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। उन्होंने ये कहा है कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए आई डी प्रूफ, आधार कार्ड बेस्ट रहता है, अब क्यों परेशान होना, अपना आधार कार्ड लेके जाना ना। बिल्कुल हाँ, और आप क्वेश्चंस पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अभी आपको घबराना नहीं है, सिर्फ एक हफ्ता आपका रह, एक हफ्ता रह गया ना, हाँ, एक हफ्ता रह गया, हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है, सैटरडे संडे को तो एग्जाम्स हैं। करेक्ट, तो आपको अगर कोशिश कीजिए 2-3 आप मॉक दे लीजिए और अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर लीजिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए और आप लोग प्रिपरेशन कीजिए आप अपनी, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और हमको सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के, जेन्युइनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सही अपडेट हम देते रहेंगे दोस्तों, फिर भी आपको कोई घबराहट हो रही है आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे आप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।